आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड इफ एल्स। पिछले वीडियो में हमने इफ एल्स के ऊपर देखा था कि इफ एल्स में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन को पुट कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे नेस्टेड इफ एल्स, जिसमें हम मल्टीपल कंडीशंस को हम यहाँ पे अपनी रेंज में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे डेफिनेशन लिखी है, व्हेन वी हैव मल्टीपल कंडीशंस टू चेक दोज आर इन डिफरेंट रेंज वी शुड यूज नेस्टेड इफ एल्स। यानी कि इफ एल्स में तो हम सिर्फ एक कंडीशन पुट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स में क्या है, मल्टीपल कंडीशंस को हम पुट कर सकते हैं। आइए इस पे एक प्रोग्राम और बनाते हैं। अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज एंड टोटल मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट फॉर 1 स्टूडेंट, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले एक यूजर का एक नेम इनपुट लेंगे, उसके बाद उसके मार्क्स, उसके 5 सब्जेक्टों के मार्क्स, देन उसके बाद हम उसका टोटल निकालेंगे, फिर उसका एवरेज, देन उसका ग्रेड प्रिंट कराएंगे बाय यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स। आइए समझते हैं। सबसे पहले हमने दो हेडर फाइल इंक्लूड करी, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर सेकंड हेडर फाइल है हैश इंक्लूड conio.h, देन हमने अपना मेन फंक्शन स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने क्या किया, एक कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाया नेम नाम से, जो कि 10 कैरेक्टर तक स्टोर कर सकता है ना। इसके बाद हमने वेरिएबल क्रिएट किया फ्लोट टाइप का उन 5 सब्जेक्टों के लिए, जैसे सब्जेक्ट हो गया हमारा सी, कॉप, एसीसी, बीपीपी, वीसी, आप डिफरेंट ले सकते हो। जैसे आप यहाँ पे मैथ्स ले सकते हो, फिजिक्स ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो, बायो ले सकते हो, पीसीएम ले सकते हो, जो आपको मन चाहे वो आप ले सकते हो सब्जेक्ट। इसके बाद दो वेरिएबल मैंने एक्स्ट्रा बनाए, एवरेज का और टोटल का, ठीक है ना। इसके बाद मैंने clrcr फंक्शन का यूज किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, यूजर को एक मैसेज प्रिंट किया, एंटर स्टूडेंट नेम। यूजर मैसेज को देखेगा, वो अपना नेम एंटर करेगा। तो मैंने किस फंक्शन की हेल्प ली, गेट एस फंक्शन की हेल्प ली। आप चाहो तो इसकी जगह स्कैनर फंक्शन के थ्रू भी आप यूजर का नेम इनपुट ले सकते हो। गेट एस फंक्शन में यूज किया, और मुझे ये नेम किसमें स्टोर कराना है, नेम वाली वेरिएबल में, है ना। मैसेज मैंने दिया, एंटर किया यूजर को, यूजर ने नेम अपना इनपुट किया, नेम मेरा कहां स्टोर होगा, नेम वाली वेरिएबल में स्टोर होगा। इसके बाद मैंने नेम लेने के बाद मैंने क्या किया, उस स्टूडेंट के मार्क्स को मैंने इनपुट कराया। तो यूजर को मैसेज दिया, एंटर मार्क्स फॉर सी, कॉप, ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्टों के मैंने मार्क्स उसे यूजर से इनपुट लेना चाहता हूं। तो मैंने स्कैनर फंक्शन लिखा। अब ये मेरे मार्क्स किस वेरिएबल, किस टाइप के हैं, फ्लोट टाइप के हैं। तो फ्लोट के लिए हम क्या लगाते हैं, परसेंट एफ लगाते हैं। तो कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 बार आपका ये परसेंट एफ, परसेंट एफ, परसेंट एफ, परसेंट एफ और परसेंट एफ हमने यूज किया है। अब हमें पहला सब्जेक्ट का, हमारा पहला सब्जेक्ट कौन सा है, सी, तो हमने क्या लिखा, एड्रेस ऑफ सी। सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा कॉब, तो हमने लिखा एड्रेस ऑफ कॉब। थर्ड सब्जेक्ट है एसीसी, एड्रेस ऑफ एसीसी। फोर्थ सब्जेक्ट है पीपी, तो एड्रेस ऑफ पीपी। फोर्थ फिफ्थ सब्जेक्ट है वीसी, तो एड्रेस ऑफ वीसी, इस तरीके से। इसके बाद क्या किया हमने, 5 सब्जेक्टों के मार्क्स भी आ गए, स्टूडेंट का नेम भी स्टोर कर लिया हमने वेरिएबल में। अब हम क्या करेंगे, टोटल कैलकुलेट करेंगे। टोटल कैसे निकालते हैं, सभी वेरिएबल का टोटल कर लेंगे, सी प्लस कॉप प्लस एसीसी प्लस पीपी प्लस वीसी, इस तरीके से आप इनका टोटल कर लोगे, तो टोटल में टोटल की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमें निकालना है एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सब पर टोटल करेंगे और डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो इससे हमारा एवरेज निकल आएगा। इसके बाद क्या किया हमने, टोटल को प्रिंट कराया। टोटल इज, टोटल किस टाइप का है, हमारा फ्लोट टाइप का है। तो फ्लोट के लिए हम क्या लगाते हैं, परसेंट एफ लगाते हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक यहाँ पे स्लैश एन यूज किया न्यू लाइन के लिए। ये आपको पता होगा एस्केप सीक्वेंस होता है हमारा, स्लैश एन। फिर मैंने यहाँ पे टोटल की वैल्यू को प्रिंट कराया, इसी तरीके से मैंने एवरेज को प्रिंट कराया, ठीक है। ये सब करने के बाद अब मुझे क्या कराना है, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ग्रेड्स प्रिंट कराने हैं। किसकी हेल्प से कराने हैं, नेस्टेड इफ एल्स की हेल्प से। लेकिन इफ एल्स में तो हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन होती थी, लेकिन यहाँ नेस्टेड इफ एल्स में क्या है, हम मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल क्राइटेरियाज बना सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे हमने लिखा, इफ एवरेज इज ग्रेटर देन 80, अगर हमारा एवरेज 80 से ऊपर है लेकिन 100 से कम है ना। मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, एंड ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड। एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 एंड एवरेज इज लेस देन इक्वल्स टू 100, यानी कि 80 से ज्यादा और 100 से कम। अगर उसके मार्क्स होंगे तो क्या आंसर ग्रेड आएगा, ग्रेड ए प्रिंट होगा। देन मैंने, अब मुझे नेक्स्ट कंडीशन पुट करनी है, तो यहां पे हमारा अब यूज होगा नेस्टेड इफ एल्स। तो नेस्टेड इफ एल्स कैसे लिखते हैं, एल्स, फिर लिखेंगे आप इफ, एल्स इफ। इसके बाद फिर आप यहां पे कंडीशन दोगे, जैसे यहां कंडीशन दी थी आपने इफ में, अब आपको नेक्स्ट कंडीशन देनी, तो आप क्या लिखोगे, एल्स इफ लिखोगे। एल्स इफ लिख के फिर आप लिखोगे एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 एंड एवरेज इज लेस देन 80, यानी 60 और 80 के बीच में इसके अगर मार्क्स होंगे तो कौन सा ग्रेड आएगा, ग्रेड बी आएगा। इसी तरीके से मुझे तीसरी कंडीशन देनी है,
तो मुझे इफ नहीं लिखना, मुझे लिखना है एल्स इफ लिखना है। जैसे मैंने इफ, तो सिर्फ हमारे प्रोग्राम में सिर्फ एक ही बार हम इफ यूज करते हैं, एक ही इफ होता है, एक ही एल्स होता है। लेकिन आपको वो मल्टीपल कंडीशंस पुट करनी है तो आप नेस्टेड इफ एल्स का यूज करोगे, यानी कि आप एल्स इफ का यूज करोगे। तो एल्स इफ, जैसे आपने ऊपर यहाँ एल्स इफ दिखा, तो यहाँ एल्स इफ लिखोगे एल्स इफ एवरेज इज ग्रेटर देन 50 एंड एवरेज इज लेस देन 60। 50 से 60 के बीच में कितने नंबर आएंगे, कौन सा ग्रेड प्रिंट होगा, ग्रेड सी प्रिंट होगा। देन लास्ट हमारा, अगर मान लो इससे कम नंबर इसके रहते हैं, मान लो 50 से भी कम नंबर रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको एल्स में डाल देंगे। एल्स में डालना, हमने क्या लिखा, फेल। अगर इससे कम नंबर अगर उसके रहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। आप चाहो तो 50 से नीचे यानी कि 40 तक ले सकते हो आप, तो आप एक और एल्स इफ यूज करोगे। एल्स इफ में फिर आप लिखोगे एवरेज इज ग्रेटर देन 50 लेस देन 40, इस तरीके से आप कोई भी कंडीशन यहाँ पुट करोगे और उसको यहाँ पे आप डाल दोगे। ठीक है, इसके बाद फिर हमने क्या किया, लास्ट में हमने गेट सी एच फंक्शन यूज किया, स्क्रीन को होल्ड किया, देन अपना मेन फंक्शन यहाँ से क्लोज किया। आइए इस पे एक प्रोग्राम और देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्रोग्राम में हमें बेसिकली करना क्या है, हमें इसमें यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट करना है और हमें ये चेक करना है कि वो कैरेक्टर हमारा अपर केस में है कि ये लोअर केस में। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम दो हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, मेन फंक्शन स्टार्ट किया हमने। सबसे पहले हमने क्या किया, एक कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाया CHR नाम से। ठीक है ना, मान लीजिए हमने एक यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया CHR नाम से, एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। इसके बाद हमने CLRCR फंक्शन चलाया, यूजर को मैसेज दिया कि वो एक कैरेक्टर इनपुट करे। ठीक है, CHR में हमने वैल्यू को स्टोर कराया गेट सी फंक्शन की हेल्प से, गेट सी स्टैंडर्ड इनपुट। STD इनपुट हमारा क्या होता है, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड द्वारा हमने एक इनपुट लिया, उसको हमने किस में स्टोर कराया, CHR में स्टोर कराया। मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया ए, ठीक है ना, यूजर ने ए इनपुट किया। अब हम चेक करेंगे कि ए जो है, ये हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे CHR इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, है ना। तो क्योंकि हमारा ये कैरेक्टर जो है एक स्मॉल अल्फाबेट है, ठीक है, और यहाँ पे ये इसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, CHR इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल ए, तो कैपिटल ए और ये क्या है हमारा स्मॉल ए, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर वो अगली कंडीशन चेक करेगा CHR इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल जेड, तो कैपिटल जेड यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर वो किसके पास जाएगा, नेक्स्ट एल्स इफ के पास जाएगा, और यहाँ पे चेक होगा कैरेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल ए, कैरेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल ए, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गई, है ना, और यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई, और CHR इज लेस देन इक्वल्स टू जेड, ठीक है, ये ठीक है क्योंकि ये हमारा ए से स्मॉल है और ये कैपिटल स्मॉल ए की इक्वल भी है हमारा, तो क्या प्रिंट होगा, द कैरेक्टर इज इन लोअर केस प्रिंट होगा। ठीक है ना, अब मान लीजिए कि इस बार यूजर ने क्या करा, ए ना प्रेस करके उसने प्रेस किया कैपिटल बी प्रेस किया। ठीक है, अब कैपिटल बी प्रेस किया, फिर से कंडीशन चेक होगी, CHR की वैल्यू क्या है समय यहां पे, कैपिटल बी है, और कैपिटल बी किससे ग्रेटर है, कैपिटल ए से ग्रेटर है, तो यहां पे ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो क्या प्रिंट होगा, द कैरेक्टर इज इन अपर केस प्रिंट होगा। ठीक है, अब मान लीजिए इस बार हमने यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू प्रिंट किया, हमने स्मॉल डब्ल्यू इनपुट किया यूजर ने, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इस समय यहाँ कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे क्या है स्मॉल डब्ल्यू, और स्मॉल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल ए से ग्रेटर नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूशन हमारा किसके पास जाएगा, एलसीएफ के पास जाएगा। एलसीएफ में क्या है, यहाँ पे कैरेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए और कैरेक्टर इज लेस देन इक्वल्स टू जेड, यानी कि स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में जो वैल्यू होगी, ये हमारा स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में आता है डब्ल्यू, तो क्या प्रिंट होगा, द कैरेक्टर इज इन लोअर केस। अब इस बार मान लीजिए यूजर ने ना तो ABCD कुछ प्रेस किया, उसने क्या प्रेस कर दिया, कुछ एट द रेट लगा दिया, या मान लीजिए उसने कोई नंबर इनपुट कर दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि ना तो ये कैपिटल ए से कैपिटल जेड की रेंज में आता है, ना ये स्मॉल ए से स्मॉल जेड की रेंज में आता है, ये किस पे जाएगा सीधा एग्जीक्यूशन, यहां से एल्स पे जाएगा, इफ से एल्स इफ पे आया, एल्स से किस पे जाएगा, एल्स इफ से किस पे जाएगा, एल्स पे जाएगा, और एल्स पे जाके क्या प्रिंट करेगा, द कैरेक्टर इज इन आइदर स्पेशल कैरेक्टर और समथिंग एल्स, यानी कि कैरेक्टर कोई एक स्पेशल कैरेक्टर है या समथिंग एल्स, मतलब कोई भी एक मैसेज हम एरर आने पर कोई भी एक मैसेज यहां पे हम एल्स में डिफॉल्ट में डाल सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हमने क्या किया, गेट सी एच फंक्शन यूज किया और मेन फंक्शन को हमने यहाँ पे क्लोज किया। आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।